जो कौम और जो देश अपना इतिहास कम पढ़ते हैं, अपना इतिहास कम समझते हैं और इतिहास लेखन का काम भी बहुत कम करते हैं, इसी प्रकार जो देश और समाज विज्ञान लेखन का काम कम करते हैं, विज्ञान में शोध का काम कम करते हैं, तो ये दोनों प्रकार के समाज और देश, इतिहास लेखन न करने वाले इतिहास न समझने वाले और विज्ञान लेखन न करने वाले विज्ञान न समझने वाले हमेशा हमेशा पिछड़े होते हैं, दुनिया में सबसे पीछे हो जाते हैं और इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। एवं